हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो हम लोग कर रहे थे क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देख लेना। ठीक है, तो चलिए, चैनल का नाम है बढ़िया आइंस्टीन। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, वीडियो शेयर करना। ठीक है, और मैं अपने चैनल में पढ़ाता हूँ आपको क्लास 9th एंड 10th की फिजिक्स। ओके, चलिए तो बेटा क्वेश्चन है, यूजिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ द 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखो देखो, एक बेटा बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेटा बॉडी है। ठीक है, तो एक बॉडी है, वो हम क्या करना चाहते हैं। देखो, किसी बॉडी पर ना, किसी बॉडी पर 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई। ठीक है, मतलब कि मान के चलो मैंने गाड़ी चलाई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी चलाई और मेरे गाड़ी के इंजन ने मेरी गाड़ी पर कितनी फोर्स लगाई, 200 न्यूटन की। हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल होता है ऐसे। गाड़ी ऐसी चलती है, ऊपर तो चलती नहीं। ठीक है, तो जो 200 न्यूटन की जो फोर्स है ना, जो 200 न्यूटन की फोर्स है वो मेरी गाड़ी के इंजन ने लगाई मेरी गाड़ी पर। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को ना सेम वेलोसिटी से चलने दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को सेम वेलोसिटी से चलने दूँ, मतलब कि एक्सेलरेशन गाड़ी का ना करवाऊँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में अभी उस पर कौन सी फोर्स एक्ट हो रही थी। देखो, इस कंडीशन में ना दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं मेरी गाड़ी पर, जो मेरे गाड़ी का इंजन लगाया हुआ है। मेरे गाड़ी के इंजन ने कितनी लगाई, 200 न्यूटन की फोर्स। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर लूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उसे चलने दिया, ना रेस बढ़ाई ना कम की। ठीक है, अब देखो, अब जब भी गाड़ी चलती है या फिर देखो, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो होती है। फ्रिक्शनल फोर्स टायर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। बताओ, अगर गाड़ी ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स टायर्स के बीच में, अरे कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो, फ्रिक्शन फोर्स, गाड़ी ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स टायर और ज़मीन के बीच में इस डायरेक्शन में लग रही होगी। बताओ, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो अगर गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो गाड़ी पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, क्या बता सकते हो, ये पूछा है इसने। सीधा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और उस पर 200 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, या फिर ये कह लो अप्लाइड फोर्स जो हमने अप्लाई की है उस पर, या फिर इंजन ने अप्लाई की है, वो थी 200 न्यूटन की। अब एक तो ये हो गई फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स भी तो होती है, वो भी तो लगती है ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी जो गाड़ी पर लग रही होगी, मतलब सॉरी गाड़ी और उसके सरफेस के बीच में। देखो, ये कैबिनेट वगैरह दिया, तो कैबिनेट वगैरह को मत सोचो तुम। ठीक है, तुम गाड़ी के सरफेस, गाड़ी के टायर्स, देखो गाड़ी के टायर और अर्थ के सरफेस के बीच में ही फोर्स लगेगी। ठीक है, ये सब तो कहानी है कि भैया कैबिनेट के ऊपर चला दी गाड़ी। ठीक है, वुडन कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट के ऊपर गाड़ी चला दी तो। ठीक है, ये मत सोचो, सड़क और उसका एग्जांपल सोचो। ठीक है, तो देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर कोई बॉडी आगे जाती है तो वो अपने आप रुक जाती है कि नहीं रुक जाती, बताओ। रुकती है ना, किसकी वजह से रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, यानी कि जिस वेलोसिटी से, मतलब कि यानी कि जिस फोर्स से मान चलो बॉल है,
अगर किसी बॉल पर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं तो वो आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाके अपने आप रुक जाएगी। क्यों रुकी भाई? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स भी होती है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो बॉल किसकी वजह से रुकी? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अच्छा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या रही होगी? इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या रही होगी जिसने उस बॉल को रोक दिया? ठीक है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बेटा सीधी बात है, जो मैंने फोर्स लगाई थी 10 न्यूटन, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कि अगर मैंने उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा लगी हो। बराबर कभी नहीं लगेगी और ना कम लगेगी, हमेशा ज़्यादा ही लगेगी। अरे बेटा सीधी बात है ना, देखो अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है 10 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है, ये बॉडी ऐसे जा रही है 10 न्यूटन की फोर्स से आगे की तरफ, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी इस पे धीरे 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 करके रुक रही है। क्यों रुक रही है? क्योंकि इसकी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जिसको हम कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। अरे अपने आप गाड़ी क्यों रुकती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये रुक गई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या इसकी वैल्यू 10 न्यूटन के ही बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी? अरे सीधी बात है भैया, ज़्यादा होगी तभी तो रोक पाएगी उसे, है ना। जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वही तो काम कर पाएगी। अगर यहाँ से भी 10 न्यूटन लग रही होती और यहाँ से भी फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगा रही होती तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती? ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाती। बताओ क्या मैं सही हूँ? क्या ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन नहीं हो जाती? बैलेंस फोर्स यानी कि यहाँ से भी 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन, यहाँ से अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाती और इस पर कोई भी फोर्स लगती ही नहीं। और जब भी बैलेंस फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि बॉडी अगर पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहती है और मोशन कर रही थी तो मोशन में ही रहती है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। अगर ये भी 10 न्यूटन की लगाती और ये भी 10 न्यूटन की तो ये बॉडी कभी रुकेगी नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, ये बॉडी कभी नहीं रुकेगी क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मतलब होने का मतलब ना तो इसकी स्पीड घटेगी और ना ही इसकी स्पीड बढ़ेगी। जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाएगी, ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। लेकिन ऐसा, अच्छा लेकिन अब ये एक्सेलरेट क्यों कर रही है? मतलब कि अब बेटा अब ये धीरे धीरे रुक रही है ना, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कैसी होगी? इस फोर्स से ज़्यादा होगी, है ना भाई, तभी तो इसे रोक पाएगी। यहाँ से ज़्यादा जोर से, बट यहाँ से इससे भी ज़्यादा जोर से, तो जब ही तो इस कार को रोक पाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। अगर बॉडी रुकी है अपने आप तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होती है। इतनी बात क्लियर हो गई अगर तुम लेक्चर देखते आ रहे हो तो। अच्छा, अब वहीं मतलब कि यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रही है, इसका मतलब ये है कि अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि दोनों ही फोर्स बराबर होती हैं, तब जाके बॉडी की स्टेट कभी चेंज नहीं होती। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। वही पूछा है इस क्वेश्चन में कि भैया अगर किसी गाड़ी को 200 न्यूटन की फोर्स से चलाया जाए और उसे हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से कर दिया, मतलब कि उसकी मतलब अब वो कभी रुकेगी नहीं, ऐसा कर दिया कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है? जब दोनों तरफ से फोर्स कैसी लग रही हों? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हों, बैलेंस फोर्सेस लग रही हों। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 न्यूटन ही हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अरे अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो उस पर बैलेंस फोर्स लगना ज़रूरी है। बात आ रही समझ में। तो यहाँ से भी 200 न्यूटन, यहाँ से भी 200 न्यूटन, देखो यहाँ से 200 न्यूटन की बॉडी, यहाँ से 200 न्यूटन की फोर्स से चली थी, ठीक है। अब क्योंकि ये रुक तो रही नहीं है आगे, है ना, क्वेश्चन में यही यही तो कह रहा है कि भैया ये रुकेगी तो है नहीं आगे, तो चलती रहेगी,
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि सेम स्पीड से चलती रहेगी। तो ऐसा तभी तो पॉसिबल है जब यहाँ से कोई ऐसी फोर्स लगे जो इसके बराबर हो, यानी कि इस पर कोई नेट, इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। और नेट फोर्स जब ज़ीरो होगी तभी तो बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो किसी ने अगर बैलेंस और अनबैलेंस वाली वीडियो नहीं देखी उसे देखना पहले, ठीक है। वैसे मैंने बाबू अच्छे से समझाया, ठीक है। तो लिख दो बस ऐसे, अब लिख दो। देखो समझाने में मैं टाइम तो लेता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर सब बच्चे हैं वो सब एवरेज हैं, ठीक है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए बेटा। बहुत से जो थोड़े ज़्यादा होशियार हैं उन्हें शायद इरिटेशन होती होगी, तो बेटा कोई नहीं। लेकिन सब बच्चों को देख के चलना पड़ता है ना, कि हर एक बच्चा जो वीक है उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को ये लगता है कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर ये हो तो वीडियो क्या कर लिया करो, 2x पर कर लिया करो, या फिर स्क्रॉल कर दिया करो आगे। नहीं तो जो बच्चे होशियार हैं वो तो खुद ही दे देंगे इसका आंसर, ठीक है। चलो तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा फॉर मूविंग अ बॉडी विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन जीरो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी बॉडी आर ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, बिकॉज इट इज अ बैलेंस फोर्स कंडीशन। बैलेंस फोर्स कंडीशन, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ मूविंग अ बॉडी विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलना है यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी हमेशा क्या होगी, इक्वल टू ज़ीरो होगी। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, नेट फोर्स यानी कुल मिला के जो फोर्स आती है ना, वो नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। अगर दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो चाहे बड़ी वाली में से छोटी करो, अरे दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो दोनों में सेम नंबर में से अगर माइनस करो तो ज़ीरो ही तो आएगा, तो वही नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स के, जो कि 200 न्यूटन है, ठीक है। 200 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन वाले लिख दो, चलो छोड़ो फ्रिक्शन फोर्स तो कह दिया, वो तो सब समझ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक बैलेंस फोर्स कंडीशन, ठीक है बेटा। देख लो आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम पे डिपेंड है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है। ये बॉडी एक, ये बॉडी दो, ठीक है। ये कॉलिजन से पहले की कहानी, ये कॉलिजन से बाद की कहानी, ठीक है। ये इसको मैंने बॉडी वन माना, इसको टू माना, इसको वन माना, इसको टू माना। ये कॉलिजन से पहले, कॉलिजन के बाद में, ठीक है।
ये दोनों इन बॉडी इन दोनों बॉडी का मास कितना है बेटा, इन दोनों को बॉडी का मास सेम है, कितना है 1.5 किलो 1.5 किलोग्राम। और ये इस वेलोसिटी और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम दी है बेटा, देखो कितनी दी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी वेलोसिटी अपोजिट हो तो एक को प्लस में लो और एक को माइनस लो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी। और ये पूछा है कि भैया ये दोनों पास आ रहे थे सेम वेलोसिटी और सेम मास से, तो उसके बाद क्या हुआ, इनमें कॉलिजन हुआ और दोनों ये चिपक गए, तो एक किस वेलोसिटी से मूव करेंगे फिर, यानी कि अब देखो जब ये दोनों चिपक जाएंगे, मतलब चिपके ही रह गए ये, ये दोनों चिपक गए तो ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, मतलब चिपकने बाद मतलब ये मूव करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों चिपके हैं तो जहाँ वन जाएगा वहीं टू जाएगा, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है ना, सही है ना, चिपके हैं ना तो ये पूरी एक ही बॉडी हो, एक ही बॉडी मान लो, तो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, बताओ, ठीक है, कंबाइन वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, चलो निकालो। क्या क्या दिया बेटा, M1 यानी कि मास वन बॉडी का कितना दिया बेटा, 1.5 किलोग्राम। M2 का भी 1.5 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की, इस वाले की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी पहली वाली 2.5 मीटर पर सेकेंड बोलो, सही है। U2 दूसरे वाले की भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन इसलिए माइनस, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दोनों की यानी कि V1 प्लस V2 दोनों सेम होने वाली है, तो दोनों को नाम दे दिया मैंने भी, ठीक है, दोनों को नाम दे दिया मैंने भी। अरे अगर V1 की वेलोसिटी V2 के इक्वल है तो दोनों वेलोसिटी को V कह लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लगा दो कंजर्वेशन मोमेंटम। क्या होता है फॉर्मूला, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, बोलो ठीक। वैल्यूज का पुट कर दो, M1 की वैल्यू 1.5 इंटू में U1 की वैल्यू 2.5 प्लस M2 की वैल्यू वही 1.5 इंटू U2 की वैल्यू 2.5, ठीक, M1 की वैल्यू 1.5, इसकी वेलोसिटी देखो V1 को हमने क्या माना है, V1 को V माना है तो V ऐसे कैसी, प्लस फिर ये 1.5, और V2 को भी क्या माना है, V माना है तो ये भी ऐसे V, ठीक है। चलो अभी देखो यार, अब देखो ये और ये इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ, या फिर देखो इस चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो ये भी पूरी सेम वैल्यू है प्लस ये भी पूरी सेम वैल्यू है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 1.5 इंटू में 2.5 बराबर। कैसे किया पता चला, देखो अगर मेरे पास 5 प्लस 5 होते हैं यानी कि सेम वैल्यू है, तो मैंने कैसे लिख सकता हूँ नंबर को, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, कितनी बार है 5, 2 बार इंटू में, और नंबर कौन सा है 5, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों का आंसर सेम आएगा, देखो 5 5 10, 5 2 8 10, बोलो सही। अगर मेरे पास जैसे देखो कोई ऐसी चीज़ है जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, कितनी बार है 2, 1 2 3 3 बार, और नंबर कौन सा है 2, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा, 3 2 6, और ये प्लस करेंगे ये भी 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, देखो ये एक नंबर ये दो नंबर, ठीक है, तो कितनी बार है ये नंबर, 2 बार इंटू में नंबर कौन सा है 1.5 इंटू 2.5, ठीक है, यहाँ से वी कॉमन ले लो, अरे वी कॉमन क्या, देखो इन्हें देखो इसे भी ऐसी लिख लो 2 इंटू में 1.5 वी, ठीक है, इसे भी ऐसी लिख लो। अच्छा अब क्या करोगे, अब बस अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, कहाँ करूँ यार, यहाँ पर कर दूँ 2.5 1.5, ये हो जाएगा 5 5 25
25 10 11 12 5 और 2 5 5 7 3 दो के बाद पॉइंट है। या फिर ऐसा करो, अभी इसे सॉल्व मत करो, अभी सॉल्व मत करो, मैं बताऊंगा क्यों क्यों सॉल्व मैं क्यों नहीं करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा करो, ऐसे 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 रख दो 1.5 इंटू में 2.5, बी की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये नीचे आएंगे 2 इंटू में 1.5, बोलो सही है, यहाँ पर भी रहेंगे। अब देखो, अभी आराम से कर जाएंगे, 2 से 2 गया, इससे ये गया, इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने बेटा तुमसे कहा था जो बेटा, देखो थोड़ी सी गलती हो गई, माइनस लेना था ना एक को, देखो M2 को माइनस लेना है, देखो सॉरी, अरे यार U2 कहाँ ये रहा, यानी कि U2 वाली वेलोसिटी, देखो बेटा ये माइनस आएगी, ठीक है, देख लेना यार, गलती हो गई, यहाँ पर तो सब ठीक है, ऐसे यहाँ पर, अरे यार ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर कर लो, देखो M1 की वैल्यू 1.5, U1 की वैल्यू 2.5 प्लस M2 की वैल्यू 1.5 इंटू में U2 की वैल्यू बेटा माइनस का 2.5, ठीक है, ऐसे ही 1.5 इसको V माना प्लस 1.5 इसको भी मारा, ठीक है, अब हो जाएगा। अब देखो, अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लो, एक काम करो, इसमें से तुम क्या करो, 1.5 कॉमन ले लो, 1.5 देखो इसमें 1.5 कॉमन ले लो, 1.5 को मैंने लिया कॉमन, कितना बचा 2.5 माइनस का 2.5, बोलो सही है ना, 2.5 माइनस का 2.5, ठीक है, अब इस इक्वल्स टू, यहाँ से अब इसे कैसे लिख लो, इसे ऐसे ही लिख लोगे 2 इंटू में 1.5 भी, बोलो सही है, अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखो, ढाई में से ढाई गया बचा जीरो, जीरो ही तो बचा, तो 1.5 इंटू ये तो जीरो, यहाँ पर 2 इंटू में 1.5 भी, ये तो पूरा जीरो हो गया, किसी का भी मल्टीप्लाई जीरो में करो तो जीरो ही आता है, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है, अब 2 इंटू में 1.5 को यहाँ पे ले आओ, भी ये रहा, किसी में भी अगर जीरो में अगर किसी का भी डिवाइड देते हैं तो आंसर बेटा जीरो ही आता है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब कि ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है, मूव नहीं करेंगे। अरे बेटा क्वेश्चन सॉल्व में देख लेना आराम से, थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।